सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय T20 सीरीज का आगाज 6 मार्च से होगा, जहां भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी गई है। भारत श्रीलंका के बीच होने वाला पहला मुकाबला प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कई अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिनकी जगह नए टीम में नए युवा चेहरों को शामिल किया गया है। विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। दीपक हुड्डा को पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय में टीम में चुना जाता है, तो यह उनका डेब्यू मैच होगा। देखना होगा कि धोनी की अनुपस्थिति में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से किसे बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं क्या होगी भारतीय टीम। ओपनिंग करेंगे शिखर धवन और रोहित शर्मा। तीसरे नंबर पर आएंगे लोकेश राहुल और मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे सुरेश रैना, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक। वहीं स्पिनर्स की भूमिका निभाएंगे युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल लेंगे, और वहीं फास्ट बॉलिंग का जिम्मा रहेगा जयदेव उनादकट और शार्दुल ठाकुर के कंधों पर। तो दोस्तों, क्या भारतीय टीम इस T20 श्रृंखला को जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में बताएं और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।